सो या हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं दोबारा से एक और नई गेम प्ले वीडियो लेके आया हूं। तो गाइस, आज का एपिसोड है GTA 3 का। एंड ये गाइस एपिसोड नंबर 1 होने वाला, क्योंकि इससे पहले कोई एपिसोड नहीं आया। तो यहाँ पर अपनी होस्ट की स्टोरी स्टार्ट एंड लिबर्टी सिटी बैंक, आई थिंक, हाँ ठीक है, ये अपने ही हैं। आई थिंक अपने आज बैंक को लूटेंगे, ठीक है। तो अपने नहीं लूटेंगे गाइस, ये दो लोग हैं जो लूट के आ चुके हैं। वेट, भी यहीं पे है क्योंकि हम जा रहे हैं, जो उनके साथ ही थे। ओ वेट, सॉरी बेब, आई एम एन एंबिशियस गर्ल। ओ यू आर जस्ट स्मॉल टाइम। ठीक है भाई, इस बंदी ने, मतलब हम लोग तीन लोग आए थे इस बैंक को लूटने के लिए, ठीक है। और मेरे को और मेरे साथ जो था उसको इसने गोली मार दी और ये पैसा लेके चली गई, ठीक है। और अब हमें, मतलब कि, पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा है। केस ये कौन लोग Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transported in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses, and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. मैं जानता ही था कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है। Come on! भाई असॉल्ट राइफल लेके निकले बंदे। सेन्योर डिकहेड, इट्स नो प्रॉब्लम टू किल। कैसे डर रहे पुलिस वाले, देखो। यू गोना बी सॉरी। भाई साइड हो जा। अच्छा 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 भाई, ये इस बुड्ढे को लेके, मतलब बुड्ढे को छुड़ाने के लिए आए थे। अपने लिए नहीं आए ये गाइस, बट हाँ, ये मेरा बंदा भाई, ये ले। और ये मैटी है। और भाई अपने मौके का फ़ायदा उठा लिया है और अपने निकल चुके हैं यहाँ से, ठीक है। भाई ये बंदा मेरे साथ ही था उस थीफ में, ठीक है, जो अपने उन बैंक लूटा। भाई बॉम्ब फट गया। तो मैं कह रहा था वो जो बंदा था मेरे साथ, वो मेरे साथ ही था, ठीक है, वो उस थीफ में, सॉरी थीफ में, ठीक है, जो अपने उन्होंने बैंक लूटा था उसमें ये साथ ही था। एंड भाई यहाँ पे ब्रिज तोड़ दिया है, कुछ अलग ही सीन हो चुका है। ओके गाइस, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये सीन। I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. अच्छा गाइस, अब ये बंदा बोल रहा है कि ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के किनारे पर, मतलब कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के पास कोई एक जगह है जो ये जानता है, जहाँ पे ये, मतलब कि, छुप सकते हैं कुछ देर के लिए और ये कपड़े चेंज कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि भाई तू ड्राइव कर, मैं नहीं कर रहा। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, ड्राइव करने में क्या जा रहा है। ओके ओके, सो गाइस कैमरा को करते हैं पहले सेट सही एंगल से एंड फिर चलते हैं यार अपने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के पास, जो इसने लोकेशन दी अपने को। गाइस कंट्रोल तो यार काफ़ी सही है। हाँ ठीक है यार, कंट्रोल तो वैसे मैं चेंज कर लूँ। हाँ ठीक है, चेंज कर लिया मैंने, अब चलते हैं, अब काफ़ी ईजी लग रहा है। ये तुम्हारा भाई मार के ड्रिफ्ट ले लिया है, लेफ्ट टर्न। और हाँ, कुछ सामने की साइड है ना लोकेशन, तो यार जल्दी से चलते हैं भाई। सड़कें कितनी चौड़ी चौड़ी हैं यार भाई, बहुत चौड़ी, हाईवे बना रखा है यहाँ पे, वो भी सिटी के अंदर हाईवे। यार क्या ही लग रहा है यार। ठीक है, पास में ही है, पास में ही है, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। ओके ओके, यहाँ से ये रहा, ये रहा, यहाँ से लेते हैं राइट टर्न। और गाड़ी फूट चुकी है सारी की सारी। ओके सो निकल चुके हैं अपने। हाँ ठीक है, ये बंदा बोला भाई कपड़े चेंज कर ले वरना कोई भी दर्द पहुँचेगा। यहाँ पे हमारा गैरेज लिखा हुआ, नो पार्किंग। भाई पार्किंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसके अंदर।
फिर से अपने वापस आ चुके अपनी टूटी हुई गाड़ी के अंदर, और ये बंदा बोल रहा है कि ये एक आदमी को जानता है जो अपने को काम दे सकता है, उसका नाम इसने बताया लुईजी, लुईजी कुछ करके कुछ बताया ना लुईजी। सो इसने लोकेशन दे दी, पास में ही था यार वैसे, तो चलते हैं इसके पास। ओके ठीक है, Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. हाँ भाई तू जा बात कर यार, मैं यहीं पे वेट करता हूँ तेरा। ओके। और हाँ गाइस, आपने मेरा पिछला GTA Vice City का एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सभी के सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज जरूर जाके चेकआउट कर लेना ठीक है। ये बंदा क्या बोल रहा है? ओके तो इसने को इसने अपने को एक काम दिया है, ये बोल रहा है कि एक मतलब लड़की है उसको लेके आना है, काफ़ी सेफ लेके आना, मतलब उसको समझ रहे हो ना, सेफ लेके आना है ठीक है। तो उसने लोकेशन दे दी है, तो चलो यार चलते हैं। इसने बोला कि यार कोई मतलब कि गड़बड़ी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा ठीक है, आगे काम नहीं मिलेगा। तो अपने यहाँ कोई अच्छी सी गाड़ी वेट ये उठा लेते ना, अच्छी सी क्या है गाड़ी है, बस गाड़ी अपनों ने ले ली है और अब चलते हैं गाइस उसको उठाने के लिए, वेट उसको लेने के लिए ठीक है, उठाने के लिए नहीं लेने के लिए ठीक है। ओके उसने लोकेशन तो दी है बट पास में ही ना, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। मेरे को यार सड़कें काफ़ी अच्छी लग रही है यार इसके अंदर। ओके यहीं पे यहीं पे वो आगे की साइड आपको शायद तक दिखाई दे रही होगी कि भाई बैठ जा। क्या नखरे कर रही है भाई, बैठ जा यार, लेट हो रहा है, एपिसोड लंबा बन जाएगा। हाँ जल्दी बैठ। ओके तो इसका नाम मर्सेटी है, मर्सेटी कुछ करके है, मर्सटी मैस्टी कुछ करके या पता नहीं क्या नाम है बट है ठीक है। तो यार वापस इसको लेके चलते हैं, वहीं पे इसको छोड़ना है ठीक है, उसने बोला था कि उसको लेके आओ यहीं पे, काफ़ी सेफ। भाई पैदल ही आ सकते थे यार, इतना दूर तो नहीं है, मैं तो पैदल ही चला जाता। भाई दूसरी साइड है गाइस, मैं गलत सड़क पे आ गया, कोई बात नहीं इधर से चलते हैं। वो वहाँ पे है ठीक है, चल ले चल ले यार। हाँ क्या है? मतलब यार सीन हो रखा है यार, देख भाई आराम से यार, आराम से सेफ लेके जाना है इसको। हाँ भाई उतर जा, चल निकल। केस भाई $1500 दे दिए यार इस बंदी ने, सही है यार यही काम कर लेते हैं अपने, और तो कोई काम नहीं है। ओके तो अब क्या है यार, वापस से इसी के पास चलना पड़ेगा ना, तो गाड़ी को करते हैं यहाँ पे पार्क और फिर चलते हैं वापस से उसके पास। ओके तो हम आ चुके हैं और Luigi said to give you this, so okay, okay. Here, भाई Luigi ने अपने को कुछ देने के लिए कहा है। क्या है ये? Bank. Some wise guys been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face, then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Okay, so guys, is अपने को जो मतलब कि लेटर मिला है वो लुईजी ने अपने को देने के लिए बोला है, और उसके अंदर था कि यार कुछ मतलब कि आजकल जो स्ट्रीट के ऊपर मतलब कि स्पैंक के नाम से कुछ ऊंचाइयों वाले गैंग बढ़ते जा रहे हैं, एंड बढ़ते नहीं जा रहे, कुछ एक आधा बंदा है ठीक है। एंड गाइस वो लुईजी के जो बार में जो भी काम करते हैं तो उनको यार मतलब कि उनके बारे में बुरा भला बोल रहा है ठीक है। भाई लुईजी ने बोला कि ये बेसबॉल उठाओ, सॉरी बेसबॉल बैट उठाओ और जाके उसका मुंह फोड़ गया हो। भाई यही कोई काम होता है भाई, ये काम करेंगे अपने?
कर देंगे यार, सारे काम कर देंगे अपने, ठीक है। तो चलते हैं उसका सर फोड़ने के लिए बेसबॉल बैट लेके। उसने बोला कि यार इसको मुंह पे बेसबॉल बैट मार के आओ, मतलब उसका सर फोड़ गया, ठीक है। गाइस देखते हैं भाई, एक बंदा है, दो बंदे हैं, और उसने बोला कि उसकी एक गाड़ी है, उसकी गाड़ी लेके आनी है, क्योंकि यार उसने जो भी मतलब कि यार अपना नुकसान किया उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तो उसने बोला उसकी जो गाड़ी है वो लेके, और उस गाड़ी को यार मतलब कि अलग स्प्रे, अलग कलर वगैरह अलग करवाओ, ताकि यार लोगों को पता ना चले कि ये उसकी गाड़ी है, ठीक है। मतलब उसकी गाड़ी नहीं करके फिर वेट, पुलिस जा रही भाई आराम से, पुलिस को पता ना चल जाए हम किसी को मतलब किसी का सर फोड़ने जा रहे हैं। ओके तो यहाँ पे तीन बंदे हैं ना, हाँ तो यही बंदा है, यही है, यही है भाई। क्या क्या दिक्कत है तेरी? हाँ बोल बोल बोल, अब बोल, ठीक है। इसका सर फोड़ दिया मैंने, और ये इसकी गाड़ी, तो यार इसकी गाड़ी उठाते हैं अब। ओके सो इसको आराम से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये अपनी नहीं है, ये लुइजी की गाड़ी है। और उससे पहले यार इसको अलग कलर वगैरह करवाना पड़ेगा। तो यार चलते हैं पहले रिपेयरिंग शॉप पे, तो इसको करवाते हैं सही सा कलर। कलर तो यार मैं सोच रहा हूँ ना ही करवाऊँ, इसको रिपेयर करवा लूँ तो ही बहुत होगा ना, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाएंगी, क्योंकि यार सेम कलर की गाड़ियाँ तो बहुत होती हैं। बट देखते हैं, हुआ तो कलर भी चेंज करवा लेंगे। तो पास में ही है ना? हाँ पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। इसमें लोकेशन में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं कौन सी सड़क के ऊपर लोकेशन, और सड़कें यार कितनी पास पास है, और भाई हाईवे बना रखे हैं यार, सही है कि किधर जाना है भाई? तोड़ मत यार इसको, बट यार ये फूटी नहीं ना, सही है यार ये फूटी नहीं, बाकी और कोई गाड़ी होती तो वो फूट जाती भाई। उस बंदे ने अच्छी मॉडिफाई करवा, वेट ये तो हमने खड़ी की थी ना, उस बंदे ने यार अच्छी मॉडिफाई करवा रखी है गाड़ी को। तो यहाँ से एक राइट टर्न, और हाँ राइट में है ना, हाँ ये रहा राइट में ही है। तो चलते हैं इस गाड़ी को, करते हैं रिपेयर, और इसका कलर चेंज करवाते हैं ना भाई। $1000 यार, $1000 लगे भाई GTA सैन एंड्रियास में, तो यार इतने नहीं लगे, इसमें तो यार $100 लगते थे, इसमें 1000 लग रहे हैं यार। कोई बात नहीं यार, कर लेंगे कर लेंगे। तो ये गाड़ी वापस से उसके मतलब कि गैरेज में पार्क करके आनी है, वो बोला है गैरेज में पार्क करके आनी गाड़ी को। हाँ ठीक है, ये कैमरा एंगल से है ना। तो चलते हैं फटाफट से यार उसके गैरेज में, और इस गाड़ी को करते हैं जल्दी से पार्क। ओके भाई पुलिस जा रही है, पुलिस को पता ना चल जाए कि यार ये गाड़ी उसकी है। तो यहाँ से यार अपने राइट टर्न लेते हैं, ठीक है। वैसे पास में है ना गैरेज, तो यहाँ से, हाँ ठीक है, ये रहा गाइस उसका गैराज। भाई काफ़ी सारे गैराज है यार उसके, तो कुछ उसके अंदर पार्क करना है ना। ओके आराम से भाई, फूटनी नीचे के बहुत है ना, ठीक है। तो निकलते हैं बाहर। ओके सो भाई $4000 मिले अपने, सही है यार, बहुत सही जा रहा हूँ मैं तो। ओके सो यार गाइस, आई थिंक आज का एपिसोड अच्छा ही था ना, वैसे अच्छा ही था, बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। पहला एपिसोड है तो यार अच्छा था, ठीक है। गाइस आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई ये बंदा भाई हेलमेट पहन के जा रहा है या पता नहीं। सो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगला एपिसोड कब तक आना चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। और हाँ, अब तक आपने मेरी वीडियो देखी है, अब तक आप देख रहे हो, तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आप मेरे चैनल के हो प्राइम मेंबर, ठीक है। और एज ए प्राइम मेंबर आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि यार अपने वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को यार सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि मेरे हर एपिसोड आपको मिलते रहें, ठीक है। और हाँ गाइस मैं बता दूँ कि मैं यार कोई एक आधा एपिसोड नहीं लेके आता हूँ महीने के अंदर, मैं रोज़ अलग अलग एपिसोड लेके आता हूँ, रोज़ अलग अलग एपिसोड्स। सो प्लीज़ चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और मेरा लास्ट एपिसोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और भाई अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके भाई अपने अंदर क्यों आए हैं, सेव करने ना, चलो कर देते हैं ना सेव, ठीक है। हाँ ठीक है, सेव हो जा, यस ठीक है। ओके ओके सो या आई थिंक आज बहुत मेहनत की है उन्होंने, पहले अपने एक
लड़की को लेके आए, उसके बार में उसको छोड़ा। फाइव फिर अपने भाई लुइजी का बदला लेने के लिए गए एक स्पैंक नाम के कुछ बंदे से, जो कि यार पोर्टलैंड हार्बर के निचली साइड था। एंड भाई उसको फोड़ा, उसका सर फोड़ा एंड उसकी गाड़ी लेके आए। सो या आई थिंक आज के लिए इतना बहुत होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।